फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम टेस्टी यम्मी स्पंजी गुजराती खट्टा ढोकला। ये टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसे हम लोग बनाने वाले एकदम ट्रेडिशनल वे में। तो इसके लिए मैंने लिए हैं दाल चावल। इसका क्या रेशियो है मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक कप लिया है, उसी कप से मैं दाल चावल सारी चीज़ें लूँगी। मैंने कप से 2 कप चावल लिया है। आप कप या कटोरी कोई भी एक लेना, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेना। मैंने 2 कप चावल लिया है। अब सेम इसी कप से मैं 1 कप चना दाल ले रही हूँ, और सिर्फ इसी कप से मैं लूँगी उड़द दाल। उड़द दाल आधी कटोरी है। चावल 2 कटोरी हैं, चना दाल 1 कटोरी है, उड़द दाल आधी कटोरी है। अब हम लोग इनको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। मैंने सारे दाल और चावल को अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैं इसमें पानी डाल के इसे 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दूँगी। 5 घंटे के बाद हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहो तो सिर्फ चना दाल से बना सकते हो, या मिक्स दालों से भी बना सकते हो, चना दाल मूंग दाल से भी बना सकते हो। जिससे भी बनाओ, रेशियो परफेक्ट होना चाहिए। अब मैंने सारी चीज़ों को भिगा लिया है। 5 घंटे बाद आप देख सकते हैं दाल भी काफ़ी अच्छे से भीग गया, चावल भी। अब मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ। मैंने सारी चीज़ों को अलग अलग भिगाया है। अलग अलग भिगाने से ग्राइंड करने में इजी होता है, क्योंकि हमें चावल को एकदम चिकना करना है और दाल को हल्का सा दरदरा करना है। अब मैंने चावल का बैटर डाला है बर्तन में। अब मैंने दाल को लिया है, इसको मैं एकदम चिकना नहीं करूँगी, हल्का सा मैं इसको दरदरा ग्राइंड करूँगी। ये ग्राइंड हो गया है, अब मैं इसको भी डालने वाली हूँ सेम बर्तन में। उड़द दाल को ग्राइंड कर रही हूँ। आप चाहो तो उड़द दाल स्किप कर सकते हो, बट उड़द दाल डालने से हम लोग को ढोकला खाने के बाद जो गले में सूखापन लगता है वो फील नहीं होता है, इसलिए उड़द दाल डालना ज़रूरी है, और ढोकला सॉफ्ट भी बनता है। अब मैंने दाल को डाल लिया है। अब मैं इसको भी ग्राइंड कर रही हूँ। ये भी ग्राइंड हो गया, इसको भी मैं डाल रही हूँ सेम बर्तन में। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है हमारे पके हुए चावल। मैं इसमें 1 कटोरी पका हुआ चावल डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। पका हुआ चावल अगर हम लोग डालते हैं तो ढोकला बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। अब मैंने डाला है 1/4 कप दही। दही डाल के मैं इसको चिकना ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आपको चावल नहीं डालना है तो आप 1 कप पोहे को वॉश करके उसको भी डाल सकते हो, वो भी चलेगा। अब मैं इसको भी डाल रही हूँ सेम उसी बर्तन में डाल के। अब मैं इसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर हल्दी भी डाल सकते हो, बट कभी कभी हम लोग वाइट ढोकला बनाते हैं बिना हल्दी का, उस वजह से मैंने हल्दी नहीं डाला है। मैं बनाते समय हल्दी डालूँगी। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके 6 से 8 घंटे या रात भर के लिए ढक के रखना है। मैंने रात भर ढक दिया था। नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं ढोकले का बैटर अच्छे से फूल गया, इसमें काफ़ी अच्छे से खमीर आ गया है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब ये सारी चीज़ें हैं उसमें मिक्स करने के लिए। यह है अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, उसके अलावा तेल है, खाने का सोडा है, नमक है, शक्कर है, हल्दी है। सबसे पहले अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का हम लोग पेस्ट बना लेंगे। मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, इसको मैं रख रही हूँ साइड में। अब हम लोग लेते हैं बर्तन जिसमें हम लोग ढोकना बनाने वाले हैं, उसको मैं ग्रीस करके रेडी रख रही हूँ। अब बैटर में हम लोग बाकी की चीज़ें मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ, उसके अलावा मैंने डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी डाल के आप बिना हल्दी का भी बना सकते हो। हल्दी डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून शक्कर। आप चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी शक्कर कर सकते हो, और हल्का सा नमक डाला है। उसके बाद ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डाल के हम लोग एकदम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। बैटर मिक्स करके अब मैं इसको साइड में रखूँगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ तड़का लगाने वाली चीज़ें। इन चीज़ों से मैं लगाने वाली तड़का, जीरा, सरसों, हींग, सफ़ेद तिल्ली है, शक्कर है, सूखी लाल मिर्च, करिया पत्ती, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और गीला नारियल गार्निशिंग के लिए है। अब मैं ढोकले के बैटर में डाल रही हूँ खाने का सोडा, ये 1/2 टीस्पून है। आप चाहो तो इनो भी डाल सकते हो, या कम्प्लीटली दोनों को स्किप भी कर सकते हो, उसके बिना भी बहुत अच्छे से बनता है। बट सोडा डाल के हमें एकदम अच्छे से मिक्स करना है, और उसके तुरंत बाद ग्रीस किए हुए प्लेट में बैटर को डालना है। बैटर डाल के उसके बाद हम लोग इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे। मैंने कढ़ाई में पानी बॉयल होने रख दिया था। अब इसमें मैं ढोकले का जो बैटर डाला है वो प्लेट रख रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये प्लेट्स है, आप चाहो तो स्टील की थाली को भी ग्रीस करके रख सकते हो। अब मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए मीडियम आई फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ नाइफ डाल के। अगर नाइफ चिकना नहीं निकलता है तो इसको हम लोग 2-3 मिनट और पकने के लिए रख देंगे। मेरा नाइफ एकदम चिकना निकल रहा है, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए निकाल के रख दूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ को थाली में बनाया और कुछ को ढोकले की प्लेट में। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, ये ठंडा हो गया, उसके बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है।
आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से निकला भी है और काफ़ी सॉफ्ट भी बना है। इसी तरीके से मैं सारे ढोकले निकाल के रख लेती हूँ। अब मैं इनको कर रही हूँ कट, कट करके हम लोग इसमें लगाएंगे तड़का। कट करने के बाद मैं आपको एक पीस उठा के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है। अब मैंने तड़का लगाने के लिए पैन रखा है, पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जीरा, सरसों, सूखी लाल मिर्च। तड़के की सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग डालेंगे। ये ढोकला जो हम लोग बेसन का खमन ढोकला बनाते हैं उसके कंपैरिजन में टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ बहुत हेल्दी है, क्योंकि इंस्टेंट ढोकला नहीं है। इसको हम लोग ट्रेडिशनल वे में बैटर को खमीर उठा के बना रहे हैं। और तड़का लगाने के लिए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब मैंने डाला है शक्कर, उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके इसमें मैंने पानी डाला है। उसके बाद फिर से मैं गैस का फ्लेम ऑन करके जैसे इसमें एक बॉईल आएगा उसके बाद मैं इसको निकाल के ढोकले के ऊपर डालूंगी। अब इसमें बॉईल आ गया, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको डाल रही हूँ ढोकले के ऊपर। बस हमारा बहुत ही टेस्टी खट्टा ढोकला बनके रेडी है। उसके बाद मैंने इसे सर्व किया है इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं सॉस के साथ या हरी चटनी मीठी चटनी के साथ भी। अब आप भी ये टेस्टी ट्रेडिशनल खट्टा ढोकला बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।